हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़ तो आगे नेक्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं नॉट सेट फाइव का जो पेपर आने वाला है उसकी तैयारी सो so, मैं इसकी सीरीज स्टार्ट की हुई है नॉट सेट फाइव की चूँकि रोज़ बारह बजे वीडियो डलती है और सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इंटलेक्चुअल और एनक्लिक्स बेस्ड जैसे कि अब नॉट डालने वाला है क्वेश्चन पेपर में सो so, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है तो आप पेपर अच्छी तरह से तैयार करिए टॉपिक्स अपने बेसिक क्लियर तो करिए अभी टाइम है पेपर में और अगर किसी को नॉट का मटीरियल चाहिए जिसमें आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे रेडी करने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए आंसर विद राशन मिलेंगे की पॉइंट्स मिलें मिलेंगे जो कि पिछले एम्स के पेपर्स के डायरेक्ट मैंने की पॉइंट्स बना रखे हैं एंड उसके साथ आपको टॉपिक्स के नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि मेरे सेल्फ मेड है ईजी लैंग्वेज में है सो so आप वो मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन टू नाइन्टी सो आप मेरे को अगर बाय करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी वहाँ से आके आप मेरे से वो बाय कर सकते हैं क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो अपने नोट्स पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए मैं ट्राई करूँगी लेके आने का सो so, स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद स्केबाइस स्केबीज़ विथ इंफॉर्मेशन अबाउट स्केबी शुड द नर्स कंसिडर वेन प्लानिंग केयर फॉर दिस क्लाइंट तो एक नर्स है क्लाइंट की केयर कर रही है उसको स्कै scab स्केबीज़ है स्केबीज में क्या है इट इज़ अ कंटेंजियस डिसीज़ ठीक है जो कि जल्दी जल्दी एक दूसरे से फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैमिली में या फिर कहीं जा रहे हैं स्प्रेड हो जाती है क्विकली ठीक है और ये किससे होती है छोटी छोटी टाइनी माइट से होती है कॉज ठीक है इच्ची स्किन हो जाती है इसमें तो ऐसा कौन सा नर्सिंग प्लान है जो कि क्लाइंट ऐड करेगी जब वो स्कैबीज वाले पेशेंट की केयर कर रही है हाईली कंटेजियस है कॉज्ड बाय फंगस है क्रॉनिक विद एक्सबेशन है या फिर एसोसिएटेड विद अदर एलर्जीज तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका नर्सिंग प्लान में होता है कि हाईली कंटेजियस होती है कॉमुनिकेबल होती है इसलिए इसकी जो <coughs> कम्युनिकेशन है वो रोकने के लिए हमें प्लान ऑफ केयर में देखना पड़ता है कि पेशेंट किसी के टच में ना आए फिजिकल कांटेक्ट में ना आए ताकि अदर्स जो हेल्दी पर्सन है वो इस चीज़ से बचे रहे बिकॉज इट इज़ एन हाईली कंटेजियस डिसीज़ सो नेक्स्ट पे चलते हैं अ क्लाइंट डिवेल्प अ हाइड्रोसिफिलस टू वीक्स आफ्टर करेनियल सर्जरी फ्रॉम द रपचर्ड सेरेब्रल एन्यूरिज्म द नर्स कंक्लूड दैट द हाइड्रोसिफिल्स प्रॉबेबली इज़ रिलेटेड टू विच फिजिको फिजिलॉजिकल रेंज सो so, एक पेशेंट है उसका अभी क्रेनियल सर्जरी हुई है ठीक है उसकी जो सेरिब्रल एन्यूरिज्म था वो रपच्चर हो गया था तो उसको अब दो हफ्ते बाद हाइड्रोसेफिलिस हो गया है तो जो नर्स है वो क्या कंक्लूड करेगी कि जो हाइड्रोसेफिलिस है वो उसकी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कैसे रिलेट करता है सो वेजोस्पाजम ऑफ एडजेंट सेब्रल आर्ट्रीज इस्चीमिया चेंज इन अ ब्रोको स्पीच सेंटर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ सी एस एफ ब्लॉक डिब्जशन ऑफ फ्लूड फ्रॉम द एक्नॉइड स्पेसिस सो देखो आपने पढ़ा होगा हाइड्रोसेफिलिस तो इसमें क्या होता है जो फ्लूइड की ऑब्जॉर्प्शन ठीक है और सिक्रीशन है वो क्या हो जाती है एक्नॉइड स्पेसिस पे ब्लॉक हो जाती है सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में ये क्या रिलेटेड है कि जो हमारी बॉडी का जो एक्नॉइड स्पेस है उसमें जो फ्लूइड है ठीक है उसकी जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ब्लॉक हो जाती है सो so, उसको हम हेड्रोसेफिलिस बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर एन इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर द क्लाइंट हैज़ ब्रेन सर्जरी सो अगर एक क्लाइंट की ब्रेन सर्जरी हुई है तो उसके बाद इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्स ने क्या असेस करना है टैकी कार्डिया कंस्ट्रक्टेड प्यूपल्स एलिवेटेड डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस तो देखो अगर किसी की अभी अभी ब्रेन की सर्जरी हुई है ठीक है पहली बात तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पीपल्स होते नहीं है डायलेटेड पीपल देखने होते हैं टेक्की कार्डिया भी नहीं हमें आ, तेकिकारडिया हमारा जो प्रायोरिटी में नहीं आता ठीक है इमीडिएट एक्शन में नहीं आता और डिक्रीज डास्टॉलिक प्रेशर भी नहीं हमारी जो प्रायोरिटी में आता है दैट इज़ डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकॉज अगर डिक्रीज लेवल ऑफ़ कॉन्शियसनेस हुई है इट मीन्स पेशेंट का जो इंटरक्रेनियल प्रेशर है उसमें फ्लक्चुएशन आ रही है दैट्स वाई जो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो कम हो रहा है तो नर्स पोस्ट ऑपरेटिवली सबसे पहले असेस करेगी डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो कि इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स का नीड पड़ेगा क्वेश्चन है नर्स इज अवैल्यूएटिंग अ क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस विच इन्फॉर्मेशन इन द क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पज ऑफ द प्रोसीजर तो एक नर्स है एक क्लाइंट का इवेलुएट कर रही है कि उसको पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में कितना समझ आया तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि क्लाइंट बोलेगा इस पर्पस की इस प्रोसीज़र के पर्पस की जो कि इंडिकेट करेगी कि वो समझ गया है कि पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है रीइस्टेब्लिश किडनी फंक्शन क्लीन द पेरिटोनियल मेमब्रेन प्रोवाइड फ्लूइड फॉर इंटरसेलुलर स्पेसिस रिमूव टॉक्सिन इन एडिशन टू अदर मेटाबॉलिक वेस्ट सो अगर क्लाइंट बोलता है कि पेरीटोनियल डायलिसिस से क्या होता है जो टॉक्सिन हैं ठीक है और मेटाबॉलिक वेस्ट है उसके साथ वो बॉडी से रिमूव होता है उसको बोलता है पैरिटोनियल डायलिसिस सो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो क्लाइंट है वो अंडरस्टैंड कर गया है इस प्रोसीजर के पर्पज़ को कि पैरिटोनियल डायलिसिस क्यों होता है क्यों होता है पैरेटोनियल डायलिसिस डन ताकि जो मेटाबॉलिक वेस्ट है और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी से रिमूव हो जाएं नेक्स्ट पे चलते हैं अ नर्स इज़ केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डायग्नोज ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर हु हैज़ जस्ट बीन टोल्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट हीमोडायलिसिस इज नेसेसरी व्हिच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंडिकेट्स द नीड ऑफ हीमोडायलिसिस सो देखो एक नर्स है केयर कर रही है क्लाइंट की जिसका डायग्नोज क्या है क्रॉनिक किडनी फेलियर है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला है कि हीमोडायलिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना पड़ेगा तो ऐसी कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो कि इस नीड को बता रही हैं हीमोडायलिसिस करना है एसाइटस एसिडोसिस हाइपरटेंशन या फिर हाइपर कैलीमिया सो देखो अगर किसी को आपने क्रॉनिक सी के डी के बारे में पढ़ा है क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में फेलियर के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हाइपर कैलीमिया क्योंकि जो बॉडी है जो किडनी है अब वो काम नहीं कर रही है ठीक है उसका फेलियर हो चुका है तो वो एक्सेस ऑफ पोटाशियम निकालती ही नहीं है बॉडी से बाहर तो क्या हो जाता है बॉडी में पोटाशियम का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है और पोटाशियम एक कार्डिक आयन है ठीक है जिससे हमारी कार्डियक हमारे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है सो so, इसलिए अगर हमें हाइपर कैलीमिया पेशेंट में देखने को मिल रहा है तो इट मीन्स पेशेंट को हीमोडायलिसिस की नीड है सो सी के डी में हीमोडायलिसिस की नीड का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा हाइपर कैलीमिया इंक्रीज इन पोटाशियम लेवल नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे फॉलोइंग अ थायरोडेटमी अ क्लाइंट टॉलरेट फुल फ्लूइड डाइट दिस इज चेंज टू द सॉफ्ट डाइट ऑन अ सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे द क्लाइंट रिपोर्ट्स हैविंग अ सॉर थ्रोट वेन शवलविंग वॉट शुड द नर्स डू फर्स्ट तो फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव डे में थायरोडेक्टमी हुई है पेशेंट को फ्लूइड डाइट दी थी दूसरे दिन पे उसकी जो डाइट है वो चेंज करके हम सॉफ्ट दे रहे हैं सेकंड डे पे ठीक है तो क्लाइंट कह रहा है कि जो मेरा जब मैं चीज जो सॉफ्ट डाइट है वो निगल रहा हूँ अंदर लेके जा रहा हूँ तो मेरे को सॉर्थ्रॉट फील हो रहा है तो नर्स क्या अंडरस्टैंड करेगी नर्स शुड क्या करेगी रिमूव ही ऑर्डर द फुल फुल्लुड डाइट नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एडमिनिस्टर एनर्जेस्टिक एज प्रस्क्राइब बिफोर मील प्रोवाइड सलाइन गार्गल्स टू मॉइड्स टू द म्यूकस ब्रेन सो देखो नर्स क्या करेगी बिकॉज ये नॉर्मल होता है क्योंकि थायर जो थायरॉड एक्टमी हुआ है थायरयड रिमूवल हुआ है तो वो हमारे थ्रोट में हुआ है तो थ्रोट में लिटल बिट ऑफ सॉरनेस देखने को मिलती है तो नर्स क्या करती है एडमिनिस्टर करती है एनाल्जेसिक जैसे कि प्रिस्क्राइब की होती है खाना खाने से बाद क्योंकि उसको ये फील होगी ही ऑफ्टरऑल वहाँ पे इन सीजन हुआ है वहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा प्रेशर डलेगा जब वो अंदर निगलेगा सॉल्विंग करेगा फ़ूड की तो प्रेशर से उसे हल्का सा सॉट थ्रॉट फील होगा इसलिए उसको एनालिसिस प्रस प्रिस्क्राइब करना है बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल कंडीशन कोई ज़रूरत नहीं है फ्लूड फिल्ड डाइट देने की ठीक है या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताने की और मॉइस्चर्स की बस इट इज़ नॉर्मल थिंग ये तीन चार दिन बाद ऑब्वियसली अपने आप ही रिजॉल्व हो जाता है नेक्स्ट है विच ऑफ़ द इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम फॉर द नर्स टू मैनेज वैन मीटिंग द नीड्स ऑफ एक्सटेंसिवली बर्नड क्लाइंट थ्री डेज आफ्टर एडमिशन तो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम कौन सी होती है नर्स की मैनेज करने के लिए जब वो थर्ड डे के पे एक एक्सटेंसिवली बर्नड क्लाइंट है उसकी एडमिशन के बाद केयर कर रही है तीसरे दिन किसी एक्सटेंसिवली बर्नड क्लाइंट की केयर कर रही है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगा मैनेज करने में स्वीयर पेन मेंटेनेंस ऑफ स्टेरिलिटी, अल्ट्रेशन इन बॉडी इमेज या फिर फ्रिक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस सो देखो थर्ड डे पे क्या होता है कि जो उसका बर्न एरिया होता है ना उसकी डेब्रीमेंट हो रही होती है ठीक है उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है इतना ज़्यादा थर्ड डे पे स्वियर पेन होता है सो so, जो कि मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है नर्स के लिए याद रखना कि अगर कोई एक्सटेंसिवली बर्नड पेशेंट है तो थर्ड डे पर उसकी आफ्टर द एडमिशन ऑफ थर्ड डे तो उसको उसकी जो पेन है उसको मैनेज करना एक्सटेंसिवली बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक नर्स के लिए बिकॉज़ एट द सेम टाइम पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट देना पड़ता है ठीक है उसको साइकोलॉजिकली उसको थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है एट द सेम टाइम उसका बर्न लेवल चेक करके उसको एडमिनिस्ट्रेशन करानी पड़ती है सो so ये मैनेज करना नर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है नेक्स्ट है नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट हु इज हैविंग अ कंप्यूटेड टोमोग्राफी सी टी स्कैन ऑफ अ ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट विच रिस्पांस इंडिकेट दैट द क्लाइंट इज़ हैविंग एन अनटवर्ड रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट मीडियम सो नर्स एक मॉनिटर कर रही है क्लाइंट को जिसकी सी टी स्कैन हुआ है विद कॉन्ट्रास्ट ब्रेन का ठीक है तो ऐसा कौन सा रिस्पॉन्स है क्लाइंट का जो कि बिल्कुल भी रिलेटेड uh, नहीं होगा कॉन्ट्रास्ट मीडियम से अनटवर्ड रिएक्शन होगा पेल्विक वाम्थ फीलिंग फ्लश्ड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर सॉल्टी टेस्ट इन द माउथ सो अगर पेशेंट हमें क्या दिखा रहा है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बिकॉज ये किस चीज़ का साइन है कॉन्ट्रास्ट मीडियम डाला है उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ट्रास्ट डाला है इट मीन्स उसको हमें क्या दिखा रहा है ना फ्लेक्सिस रिएक्शन क्या दिखा रहा है ना फ्लेक्सिस रिएक्शन मेन साइन है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का कि अगर पेशेंट हमें बीपी उसका फॉल कर जाएगा हाइपोटेंशन में चला जाएगा पेशेंट ठीक है ये सब साइंस होते हैं एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन के यहाँ पे लिखा है विच इज द अन टूवर्ड रिएक्शन टू द कॉन्ट्रास्ट मीडियम तो अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखने को मिल रही है इट मीन्स पेशेंट जो है हमें एनाफ्लेक्सिस दिखा रहा है उसको एलर्जिक रिएक्शन हो गया है दैट्स वाई हम उसका वहीं रोक देंगे उसके बाद जैसे फिजिशियन बोलेगा वैसे किया जाएगा नेक्स्ट है नर्स इज डेवलपिंग अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट विद द ऑटोसिक्लोरिस वट इन्फॉर्मेशन शुड नर्स इंक्लूड इन द टीचिंग प्लान तो अगर हम किसी पेशेंट का ऑटोसिक्लोरिस की टीचिंग दे रहे हैं ऑटोसिक्लोरास क्या है एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि क्या कॉज करता है हेयरिंग लॉस क्या करता है हेयरिंग लॉस करता है जो ईयर है वो इनएबिलिटी हो जाती है उसकी टू एम्पलीफाई द साउंड तो ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो वो टीचिंग प्लान में ऐड करेगी नर्स

थ्री स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि कनेक्टेड होती है ईयर ड्रम से जो कि हमारी साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करती है बट इन सम कंडीशंस क्या होता है ये जो बोन्स हैं ये अनएबल टू वाइब्रेट ठीक है ये जो है बोन्स वो वाइब्रेट होती नहीं है साउंड को एम्पलीफाई करती नहीं है जो कि क्या कॉज कर देती है हयरिंग लॉस तो इसमें पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप हेयरिंग एड्स यूज़ कर सकते हो ताकि जो आपकी हेयरिंग है वो रिस्टोर हो जाए दोबारा से सो so, पेशेंट का क्या नर्स का क्या रोल रहेगा कि वो ये इन्फॉर्मेशन पेशेंट को टीचिंग प्लान में दे दे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड द नर्स असेस फॉर इन अ अ इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर क्लाइंट हैज़ अ ब्रेन सर्जरी अगर किसी क्लाइंट की अभी अभी ब्रेन सर्जरी हुई है तो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में नर्स क्या असेस करेगी टेकी कार्डियां प्यपल एलिवेटेड डायलोस्टॉलिक प्रेशर या फिर डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे खुद बताओगे ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख के सो so, इस वीडियो के लिए इतना ही था आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इफ़ द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ऐसे ही क्वेश्चंस आपको रोज़ देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे जो कि सिनेरियो बेस्ड रहेंगे आज भी हमने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन किया आप मेरी पिछली वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं फर्स्ट अगस्त से मैंने ये नॉर्थ सेट की सीरीज़ तैयार की है स्टार्ट की है सो so, आप अच्छे से तैयारी करिए सेप्टेम्बर के एंड में या फिर मिड ऑफ द सेप्टेम्बर पेपर देखने का बहुत बहुत चांसेस हैं और इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है और किसी को अगर ऐसे एम सी की उसका पी डी एफ चाहिए और की पॉइंट्स चाहिए गोल्डन पॉइंटर्स चाहिए प्रीवियस ईयर के एम्स के पेपर एंड उसके साथ नोट्स चाहिए तो आप मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन टू नाइन्टी नाइन रुपीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे से मेरे टेलीग्राम का लिंक ले सकते हैं वहाँ पे आप मेरे से बाय कर सकते हैं और उसकी फ़ोटो स्टेट निकलवा लीजिए कुछ भी कर सकते हैं आप क्योंकि ये आपके साथ लॉन्ग टाइम लाइफ लॉन्ग टाइम तक रहेगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो सो थैंक यू सो मच टू हार्ड वर्क ऑल द बेस्ट बाय